इसलिए ईवीएम को 2019 के सितंबर माह में डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, सितंबर माह 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिया स्लिप को, पेपर ट्रेल मशीन के स्लिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूछा गया कितने दिन रखने का कानून है, का साल भर का है। 6 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया, कोई जवाब है, समझ में आए? डिस्ट्रॉय क्यों किया, क्योंकि स्लिप में एविडेंस है, चुनाव आयोग के कमिश्नरों को देशद्रोह में फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, सामान्य बात थोड़ी है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों के लोकतंत्र के साथ इस तरह की बात करना, इतना भयंकर काम करना, ये देशद्रोह। कम से कम 140 बार फांसी लगानी पड़ेगी साले, एक बार मरने के बाद दोबारा फिर 140 बार, इतना भयंकर अपराध है। अपराध की लिमिट होगी। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं कि पहले मशीन नहीं लगाया पेपर पे, बाद में लगाया मेरे ऑर्डर पर, तो उसकी गिनती ना हो इसके लिए मिलान का ऑर्डर लाया। ये पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए। अब देखो मिलान कैसे होता है, थोड़ा आप लोगों को बताता हूं मिलान कैसे होता है। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ईवीएम की काउंटिंग हुई, ईवीएम की काउंटिंग हुई, 303 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 340 पर गठबंधन एनडीए आगे चल रहा है। काउंटिंग में अब जीते नहीं है बीजेपी वाले, अभी जीते नहीं है, मगर 340 में आगे चल रहे। कांग्रेस के सारे लोग उठकर चले गए, आगे चल रहे ना कांग्रेस वाले लोगों ने, सर यार रहने का क्या मतलब है, काउंटिंग में 340 जगह पर आगे है तो यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है, दो पेड़ चले गए। ठीक है, ऑर्डर क्या है, मिलान का, मिलान कब हुआ, रात में 9 बजे। मेन अपोजिशन कौन है, कांग्रेस, कांग्रेस हाजिर है नहीं, मिलान कौन करेगा, अरे समझ में आ रहा कुछ। और राहुल गांधी ने 4 बजे बयान दिया बीजेपी को बहुमत मिल गया है हमें मंजूर है, अबे अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, केवल रुझान है, रुझान को रिजल्ट मानकर बयान दे दिया। राहुल गांधी का बयान है, रिकॉर्डेड है, क्यों समझौते कहते हैं कि वामन मेश्राम की टांग को हटाना है तो दोनों को मिलाकर हटाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हटेगी। तो इस तरह से इस बात को किया गया और मिलान करने का निर्णय आने से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग बंद हो गई। 8 अक्टूबर 2013 से लेकर अब तक एक बार भी रिकाउंटिंग नहीं हुई। ऑर्डर जरूर हुआ मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ, ये किसको बताए वामन मेश्राम के अलावा? तो वामन मेश्राम के पास सबूत है सारे के सारे। ऑर्डर हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, 13 लाख मशीनें लगाई, हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किया, मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ। सवाल खड़ा होता है जब पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग नहीं होता है तो कई कई हजार करोड़ रुपया भारतीय प्रजा के टैक्स का क्यों खर्चा हो रहा है? प्रधानमंत्री के पास, अर्थमंत्री के पास कई कई हजार करोड़ का बजट सैंक्शन करना मगर उस मशीन का उपयोग ही नहीं करना, आपके पास अधिकार कहां है?
ये पैसा जो आपने मंजूर किया, मगर आप गिनती करते नहीं हो, रिकाउंटिंग करते नहीं हो। अगर रिकाउंटिंग करते ही नहीं हो तो फिर ये मशीन लगाते क्यों हो, खरीदते क्यों हो? क्यों नहीं हुआ रिकाउंटिंग? क्योंकि रिकाउंटिंग में फिजिकल इविडेंस के साथ घोटाला पकड़ा जा सकता है, फिजिकल इविडेंस के साथ। और इस वजह से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग नहीं की गई, आज तक नहीं। 2023 आ गया, 2024 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने क्लियर झंडी दे दी कि प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होगा। दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम में अगर घोटाला करके अगर चुनाव नहीं जीता तो फिर बीजेपी किसी भी मापदंड में चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव जीतने का देखो 1%, अगर 1% 30 लाख वोटर है लोकसभा में, 1% में इधर उधर हुआ 30,000, 2% में हुआ 60,000, 3% हुआ 90,000, 4% हुआ 1,20,000, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। सारा का सारा घोटाला करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, जीतने लायक करते हैं। रिजल्ट आने के पहले आंकड़े पता होते हैं, कौन से पार्टी को कितनी सीटें देना है और कौन से पार्टी को कौन सी सीटें कितनी हरवानी है, अपोजिशन पार्टी के लीडर को किसको हरवाना है, कौन से लीडर को हरवाना है, ये भी सेट किया जा सकता है। यानी इतना सारा सेट क्यों हो सकता है? केवल पार्टी नहीं, इंडिविजुअल भी टारगेट किया जा सकता है कि फला फला लीडर को चुनाव हरवाना है। राहुल गांधी को चुनाव हरवा दिया गया, उसके बाप के जगह पर साउथ में जाके चुनाव जीता है। ये सारी बातें जो है ये ऐसे थोड़ी होता है, ये हुआ, ये रिकॉर्डेड बातें हैं, इसके आधार पर ये बातें आप लोगों को कह रहा हूं। और इस वजह से ये जो ईवीएम का घोटाला है ये पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा इस घोटाले को पकड़ा जा सकता है। अभी मेरे पास आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। मिलिट्री के बड़े अधिकारी तो आप जानते हो कितने, ब्रिगेडियर है, कर्नल, कैप्टन, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, आईएएस ऑफिसर जिलाधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, 168 अधिकारियों ने चुनाव आयोग को 17 सवाल पूछे, 17 सवाल, अभी तक जवाब नहीं। किसने सवाल पूछे ध्यान रखो, किसने? मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जान जोखिम में डालकर काम किया, तो वो लोग देशभक्त लोग हैं। कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि वो खामखा गलत का बयानी करने का काम कर रहे। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो कह रहे हैं ये 17 सवाल है। एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो सवाल इतने मौलिक है, अब इस पर मुझे बहुत लंबा बोलना पड़ेगा तो अभी वो समय नहीं है। मैं अभी लंबी परिवर्तन यात्रा निकाल रहा हूं तो मैं बोलूंगा जरूर। तो 17 सवाल पूछे मगर कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया,
न चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी कल का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा, कल का या आज का, दिग्विजय सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, इसराइल के एक बड़े अधिकारी का रेफरेंस दे करके सबूत के साथ वो सारा बताया कि भारत के लोकसभा के चुनाव में भारत के पार्टी ने उसकी सेवाएं ली और चुनाव जीतवाने में उन्होंने उसकी मदद की। ये आज का खबर है, वो सारी खबर है, बहुत विस्तार से फोटोग्राफ के साथ में। इसराइल के साथ आरएसएस बीजेपी के लोगों के बहुत गहरे संबंध है, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, जो इसराइल है वांशिक रूप से रेशियली ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि इसराइल के जूज लोगों का रेस और हम ब्राह्मणों का रेस एक है। ये दोस्ती नहीं है, ये रेशियल ब्रदरहुड है। तो ये ऐसा हो सकता है, आज के ही अखबार में बड़ा बयान है, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान है। तो मेरा दिग्विजय सिंह को ये कहना है कि भाई ये जो देश संकट में गया तो तुम लोग भी जिम्मेदार हो, ईमानदारी से एक बार कबूल कर लो। भारत की प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है, तुम कबूल कर लो कि ये सारा हम लोगों ने भारत के प्रजा के मत्थे पर मारा ईवीएम, इस वजह से ऐसा हुआ, कबूल कर लो और भारत की प्रजा आप लोगों को माफ कर देगी और मैदान में उतरो इसके विरोध में। अगर तुम एडमिट नहीं करते हो तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मैं पब्लिक में क्यों बोल रहा हूं, जाएगा ना कांग्रेस वाले तो मेरी सुनते ही है, आरएसएस वाले पहले नंबर पर सुनते हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस वाले सुनते हैं। और कई जगह तो कांग्रेस के जो लीडर है ना लोकल, बोलते हम भी आते स्टेज पर बैठने के लिए। मैंने कहा कांग्रेस की खाल उधड़ेंगे, ऊपर वालों की उधड़ोगे, हमारी थोड़ी। मुझे टेलीफोन आया कि वो भी आना चाहते, मैंने कहा बता करके बुला लेना, बता करके ये खाल उधड़ेंगे, ये बुरा लगेगा आपको। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी नए तथ्य, नए फैक्ट जो आए हुए हैं वो बहुत भयंकर है, और 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम में घोटाले के बगैर नहीं होने वाला, होने वाला ही है घोटाला, 200% घोटाला होने वाला है। इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान जिस तरह से पहले मैंने चलाया था और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी बातें शासक वर्ग को पर्दा डालने के लिए करनी पड़ी, अब की बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यह है कि 2024 का चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यह अभियान हम लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप ईवीएम के साथ ही चुनाव करना चाहते हो तो 200% इंश्योर कर लो, एक गारंटी दो कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए क्या तरीका होना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने ही बताया, दिग्विजय सिंह ने ही बताया कि ये चिप के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, और जो पेपर ट्रेल मशीन में कागज डाला जाता है उसी की गिनती होनी चाहिए, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आपने मराठी मध्ये म्हणतो ना उपरती आली, कांग्रेस के कितनी सीटें आई थी, 44, उसको लगा साला और 39 तो नहीं होगी 2024 में, इस वजह से उनको लगता है
और बोल भी नहीं सकते कि ईवीएम में घोटाला हुआ इस वजह से ऐसा हुआ, वो तुरंत जो है वो बोल देते हैं। तो तुमने 2004 में, 2009 में फिर तुमने क्या किया था? गडकरी ने बयान दिया बॉम्बे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दिया। क्या बयान दिया? मगा माला सुद्धा बोला वाला सद्या आम्ही चूप आहोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस होते गडकरी का, कांग्रेस ने पीछे लिया। तो ये बात जो है हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। यदि वोट और वोटों की बहुसंख्यक संख्या होने के आधार पर यदि आप इस देश का शासक वर्ग बन सकते हो तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को बुरा लगेगा, मुझे बोलते वक्त ही बुरा लग रहा है। चुनाव आयोग को बुरा लगेगा तो मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग मुझे सुप्रीम कोर्ट में खींच ले, मेरे खिलाफ कोई केस दायर कर ले। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस पेंडिंग है और अभी तक मेरे सवालों के चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिए नहीं। अभी मैं और भी कुछ बातें करने वाला हूं। लड़ाई कई तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तो अभी जागरण का मामला है, मगर 2023 खत्म होते होते हो सकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो जाए और इसमें तमाम रीजनल पार्टी के लोग और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इस विशाल आंदोलन में सहभागी कराने का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे और इसको जन आंदोलन की दिशा में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।